हाँ बच्चों, देखो संस्कृत में समास का प्रकरण कई दिनों से चल रहा है। उस प्रकरण में हमने चार जो आपको पढ़ा दिए हैं और ये पांचवा आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। पांचवा समास जो है उसका नाम है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास एक ये संस्कृत में एक ऐसा समास है जिस समास के बारे में कहा जाता है उभय पदा प्रधानो द्वंद्वः। उभय पद दोनों पदों की प्रधानता हो। उभय माने दो पद, समास में दो पद तीन पद होते हैं, तो इसमें उभय पद माने जो दोनों पद हैं उन दोनों पद समान हो। समान माने बराबर का हिस्सा रखते हो, बराबर का हो या बराबर का दर्जा हो। जैसे हमने कह दिया एक दहाई और कह दिया 10, तो एक दहाई में भी 10 होता है और एक इकाई में भी 10 होता है। तो ऐसी स्थिति में समास जो द्वंद्व समास है उसमें उभय पद प्रधान द्वंद्व होते हैं। जिस समास में दो पद या दो से अधिक पद जुड़े हों और सभी पद प्रधान हों। उदाहरण से ही या ज्यादा से जल्दी समझ में आएगा, जैसे हरिष्य हरिष्या, हरि माने विष्णु और हरिष्य देवता माने विष्णु एक देवता है या विष्णु या देवता दोनों का समान अर्थ है। समान के बराबर होते हैं, एक बराबर होते हैं और इसको छह से जोड़ा जाता है तो इस तरह से द्वंद्व समास होते हैं। तो पहले तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों की एक स्थिति होती है और उसी में से जब इसके तीन भेद होते हैं सामाजिक मतलब ये साहित्यिक स्तर पर तीन भेद है। इन तीनों का नाम हमने लिखा है परिभाषा सही इतरेतर द्वंद, इसके बाद समाहार द्वंद और एक श्रेष्ठ द्वंद। इसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है समास में। अब चूंकि आप हाई स्कूल के स्तर के पढ़ रहे हैं इस नाते अगर हाई स्कूल स्तर नहीं होता तो इतने इसके लिए बहुत प्रधान है जूनियर स्तर के लिए, लेकिन हाई स्कूल के लिए यह जानना हमें चाहिए। इसका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, संस्कृत में करते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से संस्कृत के विषय में ही हम बात कर रहे हैं आपसे। अब द्वंद्व समास तीन प्रकार का होता है। अगर पूछ दिया इम्तहान में परीक्षा में कभी कभी दे देता है बहुविकल्पी विषय में कि द्वंद्व समास के प्रकार है तीन है चार है दो है, तो ऐसी स्थिति में आपको याद रखना है कि द्वंद्व समास जो होते हैं तीन प्रकार का होता है। अगर मान लीजिए उसमें नाम दे दिया, एक किसी समास का नाम दे दिया ये द्वंद्व समास है, तो आपको ध्यान में तीनों नाम रखना चाहिए इतरेतर द्वंद्व समाहार द्वंद्व एक शेषर द्वंद्व। इस तरह से अब इतरेतर द्वंद समास में इस समास में दो या दो से अधिक पदों का योग होता है। दो पदों के लिए द्विवचन और अधिक पदों के लिए बहुवचन। अब ये देखिए परिभाषा से आपको समझ में आ रहा होगा, हमने वचन में पढ़ाया है किसी से एक वस्तु का बोध होता है तो एक वचन। अब यहाँ दो पद है तो दो पदों के लिए द्वितीय विभक्ति द्विवचन होता है और दो से अधिक है। जैसे वह रूप में बालका चला गया रामा 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 हो गया या अहम आवाम वयम हो गया, इस तरह के जब शब्द हो गए तो यहाँ पर जब दो से अधिक पद आ गए तो उस समास में बहुवचन का प्रयोग होता है। अब यहाँ जैसे देखिए उदाहरण दोनों का हमने लिखा है। अब भीमा अर्जुन, भीम और अर्जुन हमने बताया कि और अथवा का बीच में लोप है। अब इसे आप खोलेंगे तो भीमश्च अर्जुनश्च अगर इसका समास विग्रह करते हैं तो भीमा अर्जुनो लिखा गया है तो भीमश्च भीम के हर के बाद स आधा और च हो जाएगा अर्जुनस्य हो जाएगा, यहाँ दो वचन में हो गया भीमो अर्जुन। यह समास पद है ये इसका विग्रह है। अगर विग्रह दिया हुआ है आपकी परीक्षा में भीमश्च अर्जुनश्च तो इसका
अब क्या करेंगे, स और च का लोप हो गया, और चूंकि ये दो वचन हो गए, दो पद हो गए, तो इसका दो पद दो वचन हो गया भीमा अर्जुन। पिता च पुत्रस्य, अब इसमें दो शब्द है, पिता पुत्रस्य च के बाद, तो पिता पुत्र, पिता पुत्र हो गया। अब इसको जैसे आप करेंगे तो पिता च माने और पुत्र, पिता और पुत्र, तो इस प्रकार से च इसके द्वारा संबोधित होता है, च के द्वारा ही पिता पुत्र दोनों को बराबर के हैं। अब यहां देखिए, यहां आपको मिलेगा इसमें बहुवचन का प्रयोग, नरश्च नारी च, नर माने मनुष्य और नारी स्त्रियां, नर नारियों, यह बहुवचन का उदाहरण है। इस तरह से यह हो गया इतरेतर द्वंद। अब यहां देखिए फिर है रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्ण, राम कृष्ण, तो इस तरह से इतरेतर द्वंद समास है। आपके किताब में तमाम इसके उदाहरण दिए गए हैं, अगले अध्याय से हम उदाहरण आपको पूछ करके पूछ सकते हैं, या हम खुद कुछ शब्द दिया करेंगे प्रयोग के लिए, उसका प्रयोग करके समास विग्रह और समास बनाएंगे। अब इसके बाद दूसरा समास जो होता है समाहार द्वंद्व समास। अब इसमें जो हमने लिखा है उसे ध्यान से आप पढ़ना, जिस समास में अनेक पदों के समूह का बोध होता हो, शब्द ऐसा हो जो समूहवाचक शब्द हो, कई का बोध कराता हो, ऐसे समूह का मतलब ही होता है एक दो तीन चार समूह। जैसे यहाँ है उदाहरण देखिए, पांच पादव, हाथ और पैर एक समूह, इनके बीच में च लगा हुआ है। अब इसका देखिए विग्रह करेंगे तो पाणी पादव का विग्रह करेंगे तो पाणी च पादव, और अगर यह आपको विग्रह मिल गया तो इसका समास बनाएंगे तो ये च बीच से हट जाएगा और हो जाएगा पाणी पादम, हाथ और पैरों का समूह। कोई ऐसे शब्द है, ऐसी स्थितियां हैं जो एक के बराबर है और दोनों समूह में हो जाती है तो वहां पर समाहार द्वंद्व समास होता है। उसमें समास बनाते समय च का लोप हो जाता है और विग्रह करते समय दोनों के च का प्रयोग किया जाता है, जैसे पाणि च पादौ च। अब इसका आपने समास किया तो पाणि पादम हो गया, और विग्रह किया तो पाणि च पादौ। और समास में हमने पहले भी बताया है कि समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कई पदों को जोड़ करके एक नए शब्द की संरचना की जाती है, संक्षिप्त शब्द बनता है। अपने बड़े वाक्य को छोटा करने के लिए अब इतना लिखने के बजाय हम पाणि पादम लिख देंगे तो यह हो जाएगा समास। उसी तरह से रथस्य अश्वस्य, रथ और अश्व माने घोड़ा, रथ और घोड़ा, इसमें और या अब देखेंगे कि या विग्रह के बाद जब हम समास बनाते हैं तो इसमें अथवा या और का लोप हो जाता है, च का मतलब और होता है, रथस्य रथस्य अश्वस्य, अब ये स और च का लोप हो जाता है तो ये हो जाता है रथाश्वम, रथ और घोड़ा। अब इसमें देख रहे होंगे और का लोप हो गया, तो जहां पर ऐसे शब्दों दोनों बराबर हों, मतलब वो उभय पद हों और वो समाहार के अंतर्गत आते हैं जिसमें च का विग्रह के बाद लोप हो जाता है और विग्रह करते समय उस च का वो स्थापित कर देते हैं। अब मथुरा च पाटलिपुत्र, मथुरा भी एक नगर है, एक शहर है, और पाटलिपुत्र भी एक शहर है, अब दोनों बराबर है। अब इसको हमने समास बना दिया, सामासिक पद बनाया, तो मथुरा पाटलिपुत्र ये सब देख रहे हो द्वितीया विभक्ति में बन रहे हैं, ये सारे द्वितीया में बन रहे हैं, और जब हम इनका विग्रह कर रहे हैं तो विग्रह में इन च का फिर प्रयोग होता है। तो अब यहाँ ध्यान देने की यह बात है कि अगर हम समाहार द्वंद्व समास बनाते हैं तो उसमें हमें यह ध्यान देना है कि दोनों पद समान होंगे और च माने औ या और या और
और या शब्द का लोप हो जाता है। तो इस तरह से यह समाहार द्वंद समास होता है। समास हमने थोड़ा आपको हिंट दिया, समझाया, लेकिन अधिक से अधिक समास तभी आप कर पाएंगे जब इनके किताब में दिए गए उदाहरणों को आप स्वयं करने की चेष्टा करेंगे। एक शेष द्वंद समास, इसे कभी कभी आप कहीं कहीं काल्पनिक समास भी नाम दिया जाता है। आप तैयारी में जाएंगे तो कभी कभी पूछ दिया जाता है काल्पनिक समास का उदाहरण बताओ। तो अब तीनों में आप देख रहे होंगे, इसमें भी परिभाषा वही है, जिस सामासिक पद में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्दों से केवल एक पद शेष रह जाता है। अब तो समान शब्द है, उनकी समानता है, बराबरी है। अब जैसे उदाहरण के लिए माता और पिता, अगर हमको यह अंतर करना हो कि माता पिता में हमारा श्रेष्ठ कौन है, बड़ा कौन है, तो हम इस बात को नहीं कह सकते, क्योंकि कहा गया है धरती से बड़ी माता है, आकाश से ऊंचा पिता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों है, लेकिन अब एक वाक्य हो गया माता च पिता च, अब इसको हमने समाज में कर दिया, तो इसके अनुसार एक शेष बनेगा, एक शेष रहेगा, चाहे माता चाहे पिता। तो यहां हम इसके अनुसार पितरम अगर हमने लिख दिया या इसमें च का लोप कर दिया, पितरम माने द्वितीय विभक्ति, बालको तो द्वितीय विभक्ति हो गया, ये दो है माता और पिता, तो पितरम कर दिया तो इसका अर्थ हो गया माता च पिता। अब यानी यहां भी वही स्थिति है, पुत्रस्य पुत्री, पुत्र और पुत्र, ये दोनों किसी भी माता पिता समाज संतान के लिए ये लिंग चिन्ह तो हो सकता है, लेकिन किसी माता पिता में पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है, समानता है, एक बराबर को संतान, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है संतान। तो ऐसी स्थिति में ये सोच हट करके और ये पुत्र वाले द्वितीय दोनों में से एक का प्रयोग कर दिया जाए द्वितीय वचन में, तो वह हो जाता है एक शेष द्वंद समास। उसी तरह से रामश्च रामा, राम राम दो हो गए, दोनों को मिला करके ये च का लोप हो गया और ये द्वितीय विभक्ति में हो गया रामो। हंसस्य हंसी, हंस और हंसी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन दोनों बराबर है, च हंसौ, तो इसमें एक शेष रह जाता है, इसे हंसौ कर देंगे। इसी तरह से युवा चली होती तो युवानों। अब ये द्वितीय विभक्ति, एक चीज आपको यहाँ स्पष्ट हो गया होगा कि एक शेष द्वंद समास में जब बराबर के शब्द हो, उन शब्दों में से लगभग हम एक शब्द को ही स्थापित कर देते हैं, तो वह शब्द में दोनों का अर्थ होता है, वह हो जाता है एक शेष द्वंद समास। समाहार में भी आपने देखा कि उन दोनों में जब हम द्वितीय ही विभक्ति होती है लेकिन बराबर के होते हैं, उसमें से च का लोप कर दिया जाता है, तो वहां भी हो जाता है। और यहाँ भी आपने देखा है, इसमें थोड़ा सा अंतर है कि दो, अगर दो वचन है, दो पदों का है, तो दो वचन का प्रयोग किया जाता है, दो से अधिक है तो ऐसी स्थिति में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इन उदाहरणों के साथ आप द्वंद समास के बारे में अध्ययन यहाँ किया। अब कल जो शेष है उसके बारे में हम पढ़ा करके समास के बाद अब आपको दूसरे चैप्टर में ले चलेंगे।